नमस्कार, जय गुरु। इस वीडियो लेक्चर में हम गॉसेस थ्योरम के एक दूसरे एप्लीकेशन पे बात करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट के बारे में। So let us consider an infinite plane sheet of charge density sigma, जो कि uniform charge density है। जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं, एक plane sheet है जिसमें कि uniformly positive charges distributed है। अब इस surface के दोनों तरफ equal distance पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो इक्वल होगा, बाइसिमेट्री हम ऐसा कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है एयर या वैक्यूम में सिचुएटेड या फिर किसी भी प्लेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से रेडियली आउटवर्ड इमिट होंगी, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, साथ ही उस प्लेन शीट से इक्वल डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर फील्ड्स का वैल्यू इक्वल होगा। नाउ लेट अस इमेजिन अ गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ds अराउंड पॉइंट्स p एंड p प्राइम व्हिच आर एट अ डिस्टेंस r small r from the sheet on its either sides as shown in the diagram above. हमने उस प्लेन शीट के दोनों तरफ स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट्स कंसिडर किए हैं p एंड p प्राइम, और उस p और p प्राइम के अराउंड एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ds है कंसिडर किया गया है। Now, at the two ends of Gaussian cylindrical surface, P and P prime, electric field E and area element ds are parallel to each other. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन है वो पैरेलल है, और इस वजह से दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। Hence we can say that theta equals to 0 degree. So electric flux over these edges will be phi equals to E dot ds, और चूंकि दोनों sides के edges को consider करना है इसलिए हमने यहां 2 से multiply कर दिया है, 2 vector E dot ds, और scalar form में अगर लिखें phi equals to 2 E ds cos theta, और theta के place पे 0 degree put किया, and cos 0 degree equals to 1, so phi equals to 2e ds we have written as equation number 1. On the other hand, vector e and vector ds are perpendicular to each other on the every point of the curved surface, and hence no contribution of electric flux is there. Jo curved surfaces hain wahan par e जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और सरफेस एरिया वेक्टर, दोनों के डायरेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और उस केस में थीटा 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से कॉस 90 इक्वल्स टू 0, और हम कह सकते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, और इस तरह से कोई भी कंट्रीब्यूशन उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कर्व सरफेस एरिया की वजह से नहीं होगा। देयरफॉर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस इक्वल्स टू हो जाएगा 2e ds। नाउ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ds, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं, और इसी वजह से लिखा जा सकता है कि जो टोटल चार्ज है एनक्लोज्ड बाय द
taken Gaussian cylindrical surface, that is equals to sigma into ds. Now applying Gauss's law, we may write phi equals to q upon epsilon naught. By putting the values of phi and q from equations 2 and 3, we have 2e ds equals to sigma ds upon epsilon naught. दोनों साइड से ds कैंसिल करने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंडिपेंडेंट है स्मॉल r के, दैट मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट्स। नाउ E इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव। अगर सिग्मा दैट मींस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो ई का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, वेयर एज टुवर्ड द प्लेट इफ सिग्मा इज नेगेटिव। और अगर सिग्मा दैट मीन्स कि चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई टुवर्ड्स द प्लेट डिनोट किया जाएगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड्स 17.0 इनटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज ई? नंबर ए, in the outer region of the first plate, number B, in the outer region of the second plate, and number C, between the plates. इस question में given है surface charge densities जो कि 17.0 into 10 to the power -22 है both plates के लिए। इस question को solve करने के लिए हमें इस पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा कि E इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड द प्लेट इट इफ सिग्मा इज नेगेटिव, क्योंकि दोनों प्लेट्स ऑपोजिट चार्जेस रखते हैं, कंटेन करते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहां हमने डायग्राम में दो प्लेट्स कंसिडर किया है जिसमें फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, जहां पे उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेट वन के लेफ्ट साइड पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है ए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज फॉर द बोथ प्लेट्स कंसिडर कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, बिकॉज E1 जो कि प्लेट वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट ए पर, और ये इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। वहीं दूसरी तरफ उस पॉइंट ए पर प्लेट टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। वहीं सेकेंड प्लेट के दाहिनी तरफ एक पॉइंट बी कंसिडर किया गया है, और उस पॉइंट पर वेक्टर E1 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट वन के कारण जनरेट हो रहा है, उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेट है। वहीं दूसरी तरफ E2 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट टू के कारण डेवलप हो रहा है उस पॉइंट बी पर, उसका डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेट टू है। तीसरे केस के लिए हमने दोनों प्लेट्स के बीच में एक पॉइंट सी कंसिडर किया है, और उस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो कि प्लेट वन के कारण है, उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट वन है, और वहीं दूसरी तरफ E2 जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स प्लेट टू है। यहां पर हमने उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है कि अगर प्लेट पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, और अगर प्लेट
नेगेटिवली चार्ज होगी तो उसका डायरेक्शन इनवर्ड या टुवर्ड्स द प्लेट होगा. नाउ वी नो दैट द चार्ज्ड मेटल प्लेट्स के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जैसा कि हमने गॉसियस थ्योरम के एप्लीकेशन से फाइंड कर रखा है. और चूंकि दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तो वैसे केस में दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा. अब क्वेश्चन ए के सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं. इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट दैट इज एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं और साथ ही साथ दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हैं. तब अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा जीरो. तो पॉइंट ए पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई जीरो, जो कि क्वेश्चन ए में पूछा गया था. वहीं पॉइंट बी पर अगर बात करें तो उस केस में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं और साथ ही साथ दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट्स हैं और इस वजह से उस रीजंस में भी जो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी. क्वेश्चन सी की तरफ अगर बढ़े तो पॉइंट सी जो कि बिटवीन प्लेट्स है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और ये टुवर्ड्स सेकेंड प्लेट्स की तरफ डायरेक्टेड है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है. हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2 as given here in the equation. So E equals to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. And finally, we may write sigma upon epsilon naught. By putting the value which is given in the question for sigma as 17 into 10 to the power minus 22 and for epsilon naught, which is the permittivity in air or vacuum, that is equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. वी हैव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज सेकेंड प्लेट एज ए रिजल्टेंट. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई बिलीव कि इस लेक्चर ने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए एक इंट्यूटिव आइडिया डेवलप कर दिया होगा. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक से कुछ और न्यूमेरिकल्स लेकर इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम गॉसियस थ्योरम के कुछ और एप्लीकेशंस पर बात करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. धन्यवाद. जय गुरु.